पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के कारखाना मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण लगातार जारी है। कारखाना मालिकों श्रमिकों को समय पर वेतन देने तक में आनाकानी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने नर्मदा प्लास्टिक कंपनी द्वारा 3 माह का श्रमिकों को वेतन भुगतान न होने पर श्रमिकों द्वारा कंपनी गेट पर धरने की खबर प्रकाशित की थी, जिसका असर यह हुआ कि आनन फानन में श्रम अधिकारियों के मध्यस्थता के बाद श्रमिकों का 1 माह का वेतन भुगतान कर दिया गया व 1 हफ्ते में बाकी भुगतान करने का वादा श्रमिकों को किया गया, परंतु 15 दिनों से ज्यादा समय बीतने के बाद भी श्रमिकों को वेतन भुगतान आज तक नहीं किया गया। इससे श्रमिकों ने आज फिर कंपनी गेट पर धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए। श्रमिकों की मांग थी कि पहले उन्हें उनके 2 माह का वेतन भुगतान किया जाए, फिर वो काम पर जाएंगे। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों व मालिक ने श्रमिकों से बात करने स्थानीय पुलिस को बुला लिया, जिसे कंपनी ने पुलिस के सहयोग से शांतिपूर्ण धरना दे रहे मजदूरों को गेट के पास से खदेड़ दिया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।